भातसोड़ा चौराहे पर प्रातिक स्थल सांवलिया जी मंदिर प्रांगण में भागवत कथा का आयोजन 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित कथा चल रही है। इस कथा को सुनने आए लोगों का भागवत का अर्थ भी समझाया। भागवत में चार अक्षर हैं। भा का अर्थ है भाव, इससे भावों का भाव जगता है। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान ने कहा है कि भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। ग से गर्व का खंडन करता है। आज व्यक्ति गर्व में जी रहा है। किसी को धन का गर्व है, किसी को बल का गर्व है, किसी को विद्या का गर्व है। कई प्रकार के गर्व हैं जिसका भागवत जी खंडन करती हैं। कंस हरिण्याक्ष आदि कईयों का गर्व खंडन किया है। व से वर्ण व्यवस्था, हमारे यहाँ वर्ग भेद है, वर्ण भेद नहीं। श्रीमद् भागवत कथा में सभी वर्ण के भक्त आते हैं और सभी को एक सूत्र में पिरोया गया है। छुआछूत को खत्म किया गया है। त से त्याग सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया। मथुरा त्याग के वृंदावन गए, फिर वृंदावन को त्याग के मथुरा आए और मथुरा को त्याग कर द्वारिका गए। उन्होंने वन छोड़ा, गोपियों को छोड़ा, मित्रों को छोड़ा, फिर द्वारिका को भी छोड़ा, हर जगह छोड़ा। इसलिए भागवत त्याग करने की सीख देता है। यह विचार राष्ट्र संत श्री कृष्ण बिहारी दास महाराज ने प्राकट्य स्थल सांवलिया जी मंदिर प्रांगण में भागवत कथा के दौरान कहे। कथा में गौ, तुलसी और गंगा, जड़, भरत, भरत और राम भरत, श्री कृष्ण जन्म आदि कथाओं का वर्णन भी किया गया। इस अवसर पर गोविंद शर्मा पेड़ वादक, राधेश्याम दास ऑर्गन वादक, पंडित चंदन तिवारी, प्रहलाद शर्मा, प्रदीप हीरावत तबला वादक आदि के द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर श्री सांवलिया जी सेवा समिति शयोपुर मध्य प्रदेश के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे। ये कार्यक्रम हो रहा है, महाराज जी श्री कृष्णदास जी महाराज इसको कर रहे हैं कथा को, और ये जो है सो 7 दिन का आयोजन है। 8वें दिन भंडारा जो है सो 25 तारीख को होगा। कब स्टार्ट हुआ है ये? 18 तारीख से चालू हुआ है और 25 तक, 25 को समापन है। इस आपके माध्यम से भक्तों को किस तरह का संदेश जाना चाहिए? मेरे माध्यम से भक्तों को ये संदेश जाना चाहिए कि इस कथा का वो अधिक से अधिक लाभ लें और ईश्वर में जो है सो उनकी भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है यह भगवत वाणी है। इसका नाम श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत में चार अक्षर हैं, भ, क, व और त है भागवत। तो इसमें ह का अर्थ होता है भाव, इससे भक्तों का भाव जगता है, क्योंकि जब तक भाव नहीं होगा तब तक कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान ने स्वयं कहा कि भाव का भूखा हूँ मैं तो भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से मेरा पार है। तो भाव हमारे शरीर में, वैज्ञानिक भी जानते हैं कि 70% जल रहता है, 30% ही रक्त रहता है। जब गर्भ में बालक होता है तो जैसे जल में नाव तैरती है इस तरह से बालक तैरता रहता है।